हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड अकॉर्डिंग टू आवर RBC सिलेबस, फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली 1.1 टॉपिक विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम। विश्व का इतिहास। और प्यारे बच्चों, इसमें अपना एक जो टॉपिक है वह है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मात्र यही एक चैप्टर आएगा, इस चैप्टर में यही टॉपिक आएगा जिसके बारे में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। बाकी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। आपको पता है मानव सभ्यता की शुरुआत हम 19वीं शताब्दी से मानते हैं। किस प्रकार से मनुष्य सभ्य बन के एक दुनिया के सामने एक रूप में सामने आया, नए नए औजार उपकरण की खोज हुई, मानव ने एनर्जी के ऊर्जा के स्रोत को की खोज की, जैसे वर्किंग पावर बढ़े, स्टीम पावर, इलेक्ट्रिक कंबेंसन गैस एंड वेरियस अदर एरियाज, सब में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस किया। हम यदि पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत में कोटेज इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री है, उसमें बहुत व्यापक विकास हुआ। आयरन, जो लोहे की बटियां हैं, वो काम में ली जाती थी हमारे भारत में प्राचीन समय से। जैसे दिल्ली में जो लोहे का पिलर बना हुआ है मैरोली में, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी जंग कभी भी नहीं लगा। और भी बहुत सारे जो बीज है खेतीबाड़ी के लिए, वो हम काम में लेते आए हैं। डैम बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, ये हमारे भारत की बहुत बड़ी खासियत रही है। अब आगे देखिए, दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है। हजारों वर्ष पहले राम सेतु, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच बना था, ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है निर्माण कार्य का। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। 19वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स में बहुत विकास इतना नहीं हुआ जितना बाद में हुआ। हमने 19वीं शताब्दी में इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। पहला है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या हुआ औद्योगिक जो क्रांति हुई उसमें क्या क्या हुआ। हमारे जो यूरोपियन स्कॉलर है जॉर्जिस मिसले, जो फ्रांस के थे, और कैड्रिक एंजम जर्मनी के थे, इन्होंने शुरुआत की। आर्नोल्ड टोएनबीके ने अपनी बुक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये इस बात को स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति है अचानक अकस्मात बदलाव नहीं था, ये सतत प्रक्रिया के विकास के तहत हुआ। GW साउथगेट ने ये लिखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ए चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच हैंडीक्राफ्ट वाज रिप्लेस बाय मैकेनिकल टूल्स विच वर ऑपरेटेड बाय पावर एंड दस ए चेंज अकर्ड इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति में जो पहले कार्य हाथों से होते थे, अब मैकेनिकल औजारों से होने लगे, उपकरणों से होने लगे, और हाथों की ऊर्जा की जगह पावर ने ले ली। इन प्लेस ऑफ कोटेज इंडस्ट्री द वर्क स्टार्टेड इन फैक्ट्री। अब सूती वस्त्र उद्योग पहले घरों में था, अब इनके लिए फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा। इतिहासकारों के अनुसार CD हाइजोन ने कहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रेफर टू द मैकेनाइजेशन ऑफ कोटेज इंडस्ट्री। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति एक प्रकार से कोटेज इंडस्ट्री का मशीनीकरण था। डिवीज ने क्या कहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज रेफर टू दो चेंजेज विच हैड मेड इट पॉसिबल फॉर द मैन टू लीव द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। डिवीज ने कहा कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि पहले परंपरागत तौर पे उत्पादन किया जाता था,
उसको मनुष्य ने छोड़ा और अब फैक्ट्रियों में उसी सामान का उत्पादन बड़े स्तर पे होने लगा। इनसाइक्लोपीडिया है जो साइंस की, उसकी पार्ट एट में लिखा है, द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट विच हैड बिकम मोर पावरफुल एंड रैपिड इन 18th century थ्रू विच द मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप वॉज बोर्न इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आर्थिक और तकनीकी विकास की वजह से जो पावरफुल बन गया था आगे चल के 18वीं शताब्दी में, उसकी वजह से आधुनिक उद्यमियों का जन्म हुआ, इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। हम एक सारांश में ये कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था जो नई बनी आधुनिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से, औद्योगिक सेक्टर की वजह से, इसका सामने आना ही एक प्रकार से विकास था। जीवन शैली लोगों की बदली, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति, सामाजिक और राज्य के तौर पर उसका विकास हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में चेंजेज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या क्या बदलाव हुआ देखिए। प्रोडक्शन वर्क दैट वाज अर्लियर अकम्प्लिश्ड बाय हैंड नाउ स्टार्टेड टू बी डन बाय मशीन्स दैट रन ऑन पावर। जो उत्पादन पहले हाथों से होता था अब मशीनों के माध्यम से होने जाने लगा। जो मशीनें बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर स्टार्टेड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। स्टील का उत्पादन होने लगा, अब वो जो डिमांड बढ़ रही थी उसकी पूर्ति होने लगी। ड्यू टू द यूज ऑफ पावर रन मशीन्स इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग स्टार्टेड ऑन लार्ज फार्म्स इंस्टेड ऑफ स्मॉल वंस। अब जो मशीनों का सदुपयोग एग्रीकल्चर में होने लगा, उसकी वजह से किसान लोग बड़े स्तर पर खेती बाड़ी करने लगे। बैंकिंग सिस्टम का भी विकास हुआ, क्योंकि अब करेंसी मुद्रा का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड मैकेनाइज्ड शिप्स देयर वाज ए ड्रास्टिक चेंज इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टीम इंजन के आविष्कार से और मशीनों और मैकेनाइज्ड जहाज़ों के आविष्कार से अब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी, यातायात की व्यवस्था भी बदल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संगठित व्यापारिक तंत्र का भी विकास हो गया था। अब ह्यूमन लेबर कम इस्तेमाल होने लगा और मैक्सिमम अधिकतम उत्पादन ज़्यादा होने लगा। व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से इसकी शुरुआत क्यों हुई? इंग्लैंड पहला कंट्री था, देश था, जहाँ आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। यूरोप, इंग्लैंड, यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। हम बात करते हैं कारणों की, तो पहला है लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास कच्चा माल उसके जो उपनिवेश थे वहाँ से आ जाने लगा था। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल माइन से नियर बाई एरिया इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के आसपास इलाके से लोहा और कोयले की खाने थी, वहाँ से उनके पास कच्चा माल आने लगा। प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कंजप्शन हो गया खपत, जितनी खपत होती थी उतना उत्पादन होने लगा था। इसकी वजह से पैसे मुद्रा ज़्यादा आने लगी, और जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने लगा तो लोगों ने उत्पादन पे ध्यान दिया। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड लेबरर्स। यहाँ पे सामंतवाद की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में अर्ध कौशल वाले मजदूरों की संख्या बढ़ गई, जिन्होंने रिवॉल्यूशन में योगदान दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वार। फ्रांस क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ज़्यादा बढ़ा। युद्ध के समय में इंग्लैंड ने अपना उत्पादन खूब बढ़ाया और सिपाहियों को जो जो उपकरण चाहिए थे वो भी उनको दिलवाए। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ये तो भाई सबसे बड़ी बात है। इंग्लैंड ने अधिकतर देशों को अपना उपनिवेश बनाया, जिनकी वजह से उसका व्यापार भी खूब बढ़ा और पैसे का आवक ज़्यादा आने लगी। सूटेबल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, इसके चारों तरफ बॉर्डर पे पानी था, कोई ऐसा देश पास नहीं था जिसकी वजह से उसे युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े।
आठवां है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड आल्सो प्रमोटेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो खेती बाड़ी में जो क्रांति हुई उससे भी इनको फ़ायदा मिला, प्रमोटिंग साइंटिफिक इन्वेंशन। और वैज्ञानिक तौर पे जितने भी जो आविष्कार हुए वो सब ऐसे हुए कि इस क्रांति में उनका सहयोग बराबर मिला। इन्वेंशन, खोज और सुधार अलग अलग स्थान पे हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। तो पहला है फार्मिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ, तो नॉर्मली हमने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम एग्रीकल्चर फील्ड में हमारे परंपरागत औजार ही काम में लेते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जेत्रो टल है, योगसार के जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सीड ड्रिल मशीन की खोज की, जो एक साथ बीजों को खेतों में डालती थी। इंग्लिश लैंडलॉर्ड है टाउनसेंड, उन्होंने खेती बाड़ी के सिद्धांत को बताया दुनिया को कि गर्मियों में क्या फसल उगानी चाहिए, सर्दियों में क्या, बरसात में क्या। अब लोगों को इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि कब कौन सी फसल उगानी है। 1770 ईस्वी के तहत रॉबर्ट बैकवेल ने एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन पे ध्यान दिया और उसे लाभ का व्यवसाय बनाया। इसमें नए नए प्रकार की भेड़ और गाय है ब्रिड के माध्यम से उनकी अच्छी नस्ल पैदा की। इस मामले में वो सफल रहे, भेड़ों के नए प्रकार की ब्रिड उन्होंने पैदा की जो कि ज़्यादा ऊन पैदा करती थी। साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए गए ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग होता है कि नए प्रकार के जीव पैदा करना अच्छे नस्ल के। 1793 ईस्वी में अमेरिकन नेटिव विटॉन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि अनाजों को घास फूस से अलग करती है। 1834 ईस्वी में साइरस हॉल मैकॉर्मिक ने हार्वेस्टिंग मशीन, लावने वाली मशीन को खोजा बनाई। ऐसे समय बीता गया और एग्रीकल्चर में नए नए आविष्कार काम में आते गए। न्यू इन्वेंशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चलो भाई हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या नई खोज हुई। टिल मिड 18th सेंचुरी तक परंपरागत चीज़ों को ही काम में लिया जाता था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया, उनके पास कच्चा माल यहाँ से आने लगा। यूरोपियन मार्केट में कुछ नए आविष्कार हुए, जैसे 1733 ईस्वी में जॉन के ने एक फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया जिसके माध्यम से कपड़ा जल्दी बुने जाने लगा। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का 1765 ईस्वी में आविष्कार किया, खोज की जिससे कम समय में धागा एक साथ हम उसको लपेट कर उसका एक गुच्छा बनाने लगे। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्करवाइट ने वाटर फ्रेम की खोज की जिससे मजबूत धागा बन के तैयार होने लगा। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग मूल की खोज की। अब जो थ्रेड है मूल के माध्यम से बड़ा मजबूत होने लगा। 1787 ईस्वी में पावर लूम जो कि बिजली के माध्यम से चलता था उसकी खोज की गई एडमंड कार्टराइट के माध्यम से। आयरन इंडस्ट्री में नई नई तकनीकी क्या क्या आई, आपको पता कोयला और लोहा है, ये कच्चा माल है मशीनीकरण के लिए, इंग्लैंड में ये बहुत अधिक मात्रा में था। इसके साथ साथ जिंक है, कॉपर है, टिन है, ये भी बहुत अधिक मात्रा में था, लेकिन इनकी डिमांड धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी तो लोगों ने कुछ नई चीज़ खोज की। 1709 ईस्वी में अब्राहम डार्बी ने ब्लास्ट फर्नेस की खोज की जिसके माध्यम से कोक को फ्यूल के तौर पे काम आने लगा, काम में लिया जाने लगा। स्मेल्टिंग, लोहे को गलाना, रिफाइनिंग शुद्ध करना, ये सब कार्य इजी हो गया। इसके साथ साथ मेटलर्जी का कार्य भी आसान हो गया। अब्राहम डार्बी है 1711 से 1768 ईस्वी में उन्होंने रोट आयरन है वो पिग आयरन से निकालने का तरीका निकाला। हैंडी कोट है 1740 से 1873 ईस्वी में उन्होंने पडलिंग फर्नेस की मशीन को बनाया और रोलिंग मिल को भी बनाया। रोलिंग मिल ने
माफी चाहूँगा, रोलिंग मिल ने विच मेड इट पॉसिबल टू मेक प्योर इन्वेंटेड रिफाइंड आयरन। ये रोलिंग मिल भी बनाई जिससे क्या है कि अच्छा लोहा मिल जाने लगा। मशीन्स है अब लोहे से बनी जाने लगी, भारी भरकम मशीनें। इसके साथ साथ स्टील का भी आविष्कार हुआ जिससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई। टू मेक स्टील सम क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मैगनीज एंड अदर एलिमेंट्स वर मिक्स्ड इन आयरन। कुछ चीज़ें लोहे में मिला दी जाती थी जिससे स्टील बनने जाने लगा। स्टील है लोहे से ज़्यादा हल्का होता था और मजबूत होता था। इसके अलावा इसके जंग में नहीं लगता था और ये फ्लेक्सिबल भी होता था। हेनरी बेसेमर ने स्टील बनाने का नया तरीका खोजा जिसे बेसेमर प्रोसेस कहा गया। इस मेथड में स्टील है ये डायरेक्टली पिग आयरन से बनाया जाने लगा। इस प्रकार से आयरन इंडस्ट्री में बहुत सारी खोजें हुई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या खोजें हुई, स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैक एडम ने एक नई प्रकार की सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जिसमें भारी भरकम पत्थर नीचे और हल्की पत्थर ऊपर और बनाया जाने लगा। उसके ऊपर वो मिट्टी डाल दी जाती थी। अब भारी भरकम सामान गाड़ियाँ यातायात में काम में आने लगी। पहली नहर वॉर्सली कैनाल नाम से बनी जो कि जेम्स ब्रिंडले ने 1761 में बनाई। इसे यातायात में कॉस्ट कम पड़ने लगी, हाफ हो गया खर्चा। इंग्लैंड में 1788-1796 ईस्वी तक सैकड़ों ऐसी नहरें बन जाने लगी। इस पीरियड को केनाल मैनिया बोला जाता है। 1788-1796 ईस्वी तक के समय को केनाल मैनिया बोला जाता है। 1869 ईस्वी में फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड डी लेसेप्स ने स्विस केनाल बनाई जिसने मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ा। स्विस केनाल नहर की वजह से यूरोप का इंडिया से लगाव ज़्यादा जुड़ गया। पहले घूम के आना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन अब ईजी हो गया, आसान हो गया और इसके साथ साथ स्टीम का भी यूज होने लगा। अमेरिकन नेम रॉबर्ट फल्टन ने सबसे पहले स्टीम बोट का आविष्कार किया 1807 ईस्वी में जो कि पानी पे हडसन रिवर पे सबसे पहले इनको चलाया गया था। रेल इंजन का आविष्कार किया गया, लोहे की पटरी बनाई गई। इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीवेंसन ने स्टीम लोकोमोटिव स्टीम इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम रखा रॉकेट। इनसे वही रेलवे के माध्यम से भी यातायात आसान हो गया। 1830 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल के बीच में डली या स्थापना की गई। रेलवे के आविष्कार से यातायात और आसान हो गया। कोयला आयरन ये आसानी से औद्योगिक उत्पादन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जल्दी पहुँचाए जाने लगा। न्यू एक्सपेरिमेंट इन कम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ नए आविष्कार हुए। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफिक इक्विपमेंट का आविष्कार किया। ये टेलीग्राफिक इक्विपमेंट है ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जुड़ने में काम आने लगा। 1870 में ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया जिससे दुनिया आपस में जुड़ गई। रिजल्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या क्या फ़ायदा हुआ, आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल और कॉन्सेप्शनल रिजल्ट। पहला है आर्थिक उत्पादन वाणिज्यिक तौर पर अधिक मात्रा में होने लगा। इससे शहरी अर्बन एरिया का शहरीकरण का फायदा हुआ। शहर ज़्यादा बनने लगे और लोग गांव छोड़ के शहरों में आने लगे। कॉटेज इंडस्ट्री नष्ट हो चुकी थी गांव की, अब बड़े स्तर पर स्टेट प्रोटेक्शन होने लगा और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का विकास हुआ, मतलब औद्योगिकरण में पूंजीवाद आने लगा। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अब डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा बढ़ने लगा, लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को उभारा, मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, कॉलोनियल कंपटीशन सभी देशों में बढ़ने लगा जिसकी वजह से अब लोग संगठित होकर एक साथ काम करने लगे। सोशल कॉन्सिक्वेंसी, सामाजिक बदलाव, एक नया वर्ग उभरा जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। परिवार अब एक साथ की बजाय अलग अलग साथ रहने लगे। एक नई व्यवस्था उभरी, सामने आने लगी। मानवीय संबंध
अब का पतन होने लगा, लोगों की समस्याएं थी वो अब निजी समस्याएं हो गई, जनसंख्या बढ़ने से शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई। कॉन्सेप्शनल कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और समाज एक नए प्रकार के समाजवाद का स्वागत किया गया। तो बच्चों इस फोर्थ चैप्टर में सिर्फ यही एक टॉपिक था जो अभी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्वीकार किया है। इसी के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इन टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और सुनें। जहाँ कहीं भी कोई आपके समस्याएं हैं आप मुझे बताएं, ज़रूर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, किस प्रकार से आपको इनको पढ़ना है, जानना है, ये चीज़ें सारी आपके सामने आई है। आप मुझे उम्मीद है आप इन पे ध्यान देंगे। ये मैंने फोर्थ चैप्टर पूरा कर दिया है। इसी के साथ ही मुझे अच्छा लगा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को मेमोरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अति शीघ्र ही जितने भी बच्चे हैं जो जिनका सोशल साइंस में दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी आती है, ज़रूर इनको मेरे वीडियो को सुनेंगे। अच्छा लगा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ ही फोर्थ चैप्टर पूरा होता है।